नीमच में पिछले करीब 11 महीने से कोरोना संक्रमण के कारण खेल गतिविधियों पर विराम लगा हुआ था। डीएफए के प्रयास और विधायक के सहयोग से अनुमति मिलने से अब खेल गतिविधियों की शुरुआत हो गई है, जिससे स्टेडियम में भी वापस रौनक दिखाई देने लगी है। बता दें कि नगरपालिका ने जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में आयोजित गणतंत्र दिवस फुटबॉल स्पर्धा का शुभारंभ किया, जिसके चलते राजेंद्र प्रसाद स्टेडियम में ग्वाल टोली फुटबॉल क्लब और चर्चिल फुटबॉल क्लब के बीच मैच हुआ। फुटबॉल क्लब संरक्षक विनोद शर्मा और आसिफ खान ने बताया कि उद्घाटन के अवसर पर पहले दिन एक मैच खेला गया है, वहीं सोमवार को दो मैच खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच ईगल फुटबॉल क्लब और जयसिंहपुरा फुटबॉल क्लब के बीच और दूसरा मैच हीरोज और स्पोर्ट फुटबॉल क्लब के बीच खेला जाएगा। ये नगर पालिका परिषद द्वारा पहली प्रतियोगिता आयोजित हो रही है और हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर नगर पालिका ये फुटबॉल प्रतियोगिता करा रही है आज़ादी के समय से। आज उद्घाटन मैच खेला गया, एक मैच है और कल दो शानदार मैच खेले जाएंगे। आज ग्वालटोली फुटबॉल क्लब और चर्चिल फुटबॉल क्लब के मध्य मैच चल रहा है, जिसका मध्यांतर हुआ है अभी, और उसमें ग्वालटोली फुटबॉल क्लब 5-0 से आगे चल रही है।